सोच
सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा ना जाने शिन उस वक्त क्या कहा जो वार की तो आबेद बशर नहीं लगता पा गया
شدلارے غازی دا عالم دیندا مشکل ٹالے پوندا اے دھمالا کہندا مرشد لالے غازی دا عالم دیندا مشکل ٹالے اونوں رنگ لگے اونوں رنگ لگے جڑا سر نوں جھکا گیا جڑا تیرے علم دے سائے تھلے تیرے لئی دعا ہے چک کے سلام تینو کر دی وفا ہے پاک بطول کی تی تیرے لئی دعا ہے چک کے سلام تینو محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات فتح قائم آل محمد بلند تر صلوات بس
किसे
तरह आँखें असगर की थी लेकिन रोगता आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का सलावात महक से महका रहा है अलम बास का लहरा रहा है जमाने को खुदा दिखला रहा है सलावात मोहम्मद किसने कहा ला इलाहा
सबकी पढ़ाता किसे जहां कोई भी वहां पहुंचे वो ऐसा शख्स तो उसको रसूल कहते हैं। ऐसा शख्स तो उसको रसूल कहते हैं। आधा वही रसूल किसी की करे अगर ताजी जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंद से बुलंद तर सलावात। और मेरी सहन इतनी पाक है
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الشيطان आयतें कुछ जीनते दस्तारे हैदर हो गई बातनी तौर से अली मिसदाक है जी जाकिर मौली तू सुनते रहते हो कि हजरत अली शेर खुदा एक रकाब तू दूसरी रकाब में तेर पांदे अंत कुरान खत्म हो गया सुनते रहो भाई ये दसो कोई इवे कुरान अली पढ़दा है कि मैं तराबी शरीफ पढ़ी मैंने नहीं वाह वाह मौला खुद कुरान और जो बची वो फातिमा जहरा का जेवर सरकारे दो आलम हुजूर पाक सरवर दौला सारी कायनात का शहंशाह महबूब खुदा जो कुछ आके हदीस है मैं कसीदा पढ़ने हित या ज़ोबान तेरा बेसिक सरकारे दो आलम हजूर पाक रहमतुल आलमीन शफीउल मुस्नबीन अंगुश्तरीए मुअल्ला दा नबी जो कुछ फरमावन हदीस है घर फरमावन हदीस बीमारी दी हालत च आखन बीमारी ते आखन हदीस पहाड़ा ते आखन मैदान च आखन दिन दी रोशनी च आखन रात दी तारीकी च आखन कायनात ते किसे लम्हा च आखन हदीस ते जेड़ा इनकार करे ओ हदीस उलमाए फरीकैन दी मुत्तफिका अलैह हदीस है कि अल फातिमतो कोई फजीलत ना है अगर हजूर इन फरमाए के फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है या जिगर दा टुकड़ा है बल्कि सरकार दो आलम दे फरमान दा मकसद है कि फातिमा मेरा हिस्सा है अगर मैं रसूल हां फातिमा रिसालत का हिस्सा नबी हाँ फातिमा नबूवत मैं सिद्दीका फातिमा सिदाकत मैं शाफिया फातिमा शिफा चैलेंज करके आता हूँ ज़हरा एक ऐसी हस्ती है जिसकी मौताद खुद रिसालत चौदह इमादी फाजिला
तो ही तू अपनी शान दे कसीदे पढ़वा गई। ये किरदार तू मोहम्मद जैसे नबी तू सलाम करवा गई। ये किरदार तू मोहम्मद जैसे नबी तू सलाम करवा गई। ऐसी सहने जदिया गोशिच कुराने मेरे भाई जाफर रजा तिरमिज़ी ने लिखी मुसद्दस है मखदूमा एक कुरान दी शान दी अगर तुम्हें तो ये सुना फरमाते हैं कि तेरा सिक्का है रवा इंतहा है शायरी तेरा सिक्का है रवा कुलज़म में यमन में दहर में कुलज़म में यमन में दहर सिक्का है रवा कुलज़म में यमन में दहर में और है सना खाली तेरी बढ़ती हुई हर लहर में गौर
सुनना मेरे गल जिन चाहिए कितना खूबसूरत नाम है मौला अली दा ऐसा नाम है नामी अली दा अली दा अल्लाह दे नामा चो एक नाम है बेशक अली दा नाम अल्लाह दे नामा चो नाम है और मौला अली दे जितने लकब इन सारे खूबसूरत मगर एक लकब है जरा इस मुसद्दस के आखिर चाहे लफ्ज़े अबू तुरा बहुत खूबसूरत लकब है सरकारे मौला अली का इसका मानी क्या है अबू तुरा उलमा ने लिखे कुछ ने मिट्टी का बाप मिट्टी का बाप अच्छा अगर इससे तर्जमे से इतफाक करके अली मिट्टी का बाप है तो सारे ते हर रोज शह जड़ी मिट्टी चो पैदा ली कुछ उलमा ने लिखे कि अली मिट्टी का बाप नहीं गल गौर सुनना कुछ उलमा ने लिखे कि अली मिट्टी का बाप नहीं अच्छा जिम्मे अबू उबैदा लफ्ज है अली मिट्टी का बाप नहीं क्या है जी अली मिट्टी का मालिक है इससे तर्जमे ते इत्तेफाक कर लेने इससे तर्जमे ते इत्तेफाक कर लेने भाई कल बोलो उसमें अली मिट्टी का बोलो अली मिट्टी का मालिक है अली मिट्टी का मालिक है और मौत नाम है इंतकाल का और तवज्जो इंतकाल उस वक्त तक होता नहीं जब तक मालिक ना हो से सरकार को क्यों पसंद है मैं लंबी तकरीर नहीं कर रहा बस कसीदे से पास लगा क्यों पसंद है मौलान लफ्ज़े अबू तुरा जना सरकार मौला कायनात को अपने फिरा को समा के सुतर बिस्तर पे वाकई फरी साहब ते मेरे मौला निकले बाहर अगर इठन मुशरिक काफिर खड़े हुए सरकार दो आलम ने मिट्टी इकट्ठी की बकुचाई इन्हां दे पासे सटी ए सारे अंधे हो गए बाकी सही है गल बोलो सही बेशक बेशक सारे क्या हो गए अंधे हो ते हुजूर तबस्सुम फरमा के फरमाए जेड़े हिक मुठ मिट्टी दा मुकाबला कर नहीं सके भला अबू तुरा दा की सिर्फ इतना आदा कि सरकार दो आलम दी मखदूमा है कौन थी हसनैन दी अम्मा मौला अली दी जात पूरी कायनात की कोई ऐसी मस्तूर नहीं जैसे त्रवे दौर मुकम्मल हो तो है ना किबला एक कमली दुनिया मकाम सैयदा को समझ सकी नहीं और सैयदा दे दुश्मन देवते लानत करना सवाल है दुश्मन ते लानत करना सवाल है अहले बैत दुश्मन ते लानत बेशुमार तुम्हारे कौरान दे हक खावण वाले ते लानत बेशुमार मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो और वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो मैं मान लूंगा जिसे 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 भी कहोगे रजी अल्लाह अगर ये शर्त है पहले बतूल एक सलवार पढ़ो मैं मोहम्मद की बेटी मोहम्मद की बेटी शराफत की मलका तहारत की देवी मुझे समहया है मोहम्मद की बेटी समझ आ रही है मेरा भाई मोहम्मद की बेटी फर्देसानी गौर न सुनना शराफत की मलका
तहारत की देवी मुझे समहया है, फजाइल में देखो है मरियम से आला, फजाइल में देखो है मरियम से आला, कमीज इसकी हवा कहीं आसिया, ऊंची सलावात शरणी कर रहा, तवज्जो है शेर सुनाओ गौर लाल मेरे शेर सुनने, ग्यारह इमामों की मादर है जहरा, ये सब नूर हैं जिन पे कादर है नूर है जिन पे कादर है सहारा, मुर्तजा के अगर गौर कीजे इमामत इसी दूध का सितारे हैं खैरात तेरे सहन की, के जन्नत कहानी है तेरे जहान की, जन्नत कहानी है तेरे चमन की, तेरी खाक पा है सितारों की झिल मिल, तेरे नूर की ही जिया है, सलावात सैन दी जात जहरा है मेरी फकत एक बेटी, जहरा है मेरी फकत एक बेटी, वो जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेगा के नाराज जिस से मेरी फातिमा, सरकारी दुआलम दाखिल है पर आगोश सैयद आज रसूल दा सारे दरवाजे ते तकुल बाब होया, अल्लाह अकबर, बीबी अदी कौन है, फरमाया मैं सरकारी दुआलम नु मिलने, उनु सरकारी दुआलम दी अखु दी, फरमाया बतूल ये तेरे दर दी अजमत है, हाय हाय मलिकुल मौत है मगर याद तक हाय 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 सैयदा फरमाया मेरा बाबा आराम करके चला जा, अल्लाह
मेरी सहन ने रोना शुरू की थी। गरम गरम हंज मैं गलत पढ़ा सहन सुना रहा मैं किताब पढ़े मैं उस सुना रहा गरम गरम हंज रसूल दे चेहरे ते पई आंख खुली फरमाया बतूल क्यों रो गयो बतूल क्यों रोनी है बाबा तू क्यों वजने तेरे तू बाद मैं क्या करे सा सरकारे द्वार देखकर दिन मैं अल्लाह आखरी पैगंबर नबी मैं बतूल चैनल वाला करना दुनिया ते कोई औखा वेला आवे तू इतना आखना मैं वाल खुले नहीं है क्या बात है कयामत दिनावना मेरा काम वो वेला है सैयदा के दरवाजे में हुजूर दा विसाल होगी बतूल अली को बाहर का मौला अली बाहर है घिन के बन रहे घिन के टूटे कन मेरी सैंड एक कदी फिजा मेरी चादर घिना मेरे मोजे घिना मोजे पाए चादर पाई हजरत सुलेमान रिवायत करें दिन बीबी घर तो बाहर निकली इवें टूट गई जिवें अल्लाह का रसूल टूटा ते खल्लू अबुल हसन अबुल हसन को छोड़ दो अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं वाल खुले दी मैदा सैयदा बाल खोलन वास्ते आख मस्जिद नबियों ने दीवारा हिलनिया शुरू हो वजे मगर सानिए जहरा शाम दे मातम कर मातम सानिए जहरा शाम दे अर्ज पिया कर दा चुम पेशानी बचड़ी दी ते फरमाया पाक नबी ए केड़ी गल ए मुहाफिज नसल इमामत दी वो मैं कु खालिक खबर दिती है रसूल दे कोई कुछ ना आखे मेरी बचड़ी बिस्मिल्लाह ते फरमाया पाक नबी ए क्यों हर कहीं दे वारिस पुत्र हो देन मेरी पाक दी वारिस दी मेरी सैन मुसलमान दी कचहरी गई ते खाली मिल ना हसनैन शरीफ है जरा मेरी सैन आई है अपने घर ते रोना शुरू कीता ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने आसरा दिता मेरी सैन दी ज़ैनब देख के अम्मा क्यों गई हमें ना मन्ने आ तोड़े झिड़का तो ना झले आ क्यों रोनी वली है खाली मुसलमान दी कचहरी क्यों मेरी सैन ने धीन जवाब दिता है बीबी आ दी है मैं कुफी दक दा कोई अरमान नहीं मैं कुफी दक दा कोई अरमान नहीं ते अरमान रुए दम बिया क्या ओ मेरे पाक गवा आज उठ लाए गए नहीं आज उठ लाए गए नहीं दिल काबू वे चरिया मुझे कुईद दली बाबा मैदा वते मुहर ते चैदारिया हाय हाय आज उन्दा कतल आज उन्दा कतल लिखा आईया थकू शाम दो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बड़ी मुकान हो गई बतूल राजी हो गई आखिरी लफ्ज सुन मेरी सैन आखिरी वेला एक वसीयत दा पन पढ़ के मैं बच पाऊं मेरी सैन ने जनाब अली को वसीयत की थी सुना दे बीबी आ दी है मेरे गुसल दे वेले पास है बड़ा मसाइल कुछ बड़ा मसाइल कुछ मार करो मेरी फ्रेंड मैंने गुस्सा दे ले
सर ते ए चादर होवे मेरी मैया ते वाल न खोल सुकून भील को देता है जो कमल के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। फिर उसके बाद अली मुर्तजा का जिक्र चले कि जिसके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए हमें हुसैन अमानत तैयार की सुन लो ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए कफन पे खाके शिफा से लिखी जो नादे अली यही बहुत है मेरे नाम आए अमल के लिए मेरे इमाम मेरी जिंदगी के रब मौला मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे ये माह साल ये जीवन के दिन सारे ले ले मुझे बस अपनी दयारत का एक पल दे सौगों के जो मोमिन मोमिनात यहाँ बैठे हैं मौला इन तौफीकात में रिस्क में इजाफा फरमा बानियानी मजलिस के कारोबार में रिस्क में इजाफा फरमा ऐ मेरे पालने वाले मैं इन सब की दिलों की हाजात नहीं जानता जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं वास्ता सफी हुसैन के हाथों का वो खाली दामन ना जाए ऐ पालने वाले हमारे वारिस का जल्द से जल्द एक सलवात किबरिया चेहरा हो जिसका मुस्तफा जिसका बदन किबरिया चेहरा हो जिसका मुस्तफा जिसका बदन नूर के उस मरकजी किरदार को ढूंढा करो किबरिया चेहरा हो जिसका मुस्तफा जिसका बदन नूर के उस मरकजी किरदार को ढूंढा करो और हाजरा ने जिस तरह पानी तलाशा था कभी उस तरह से बारहवीं सरकार को उस तरह बारहवीं सरकार को मौला गाजी की शान के माशाल्लाह आपने मनकबत पढ़ी है एक चार मिसरे मैं भी जिसके वजूद में अल्लाह ज़हूर करे उसे अली कहते हैं जिसके वजूद में अल्लाह ज़हूर करे उसे अली कहते हैं जिसके वजूद में अली ज़हूर करे उसे अब्बास दायमी फतह का एहसास नजर आता है दूर होता है मगर पास जब भी अलमदार के पंजे को देखूं तो 1400 साल का अब्बास मुस्तफा मुर्तवा सब वली हैं बिल्कुल मुहसिन हुसैन एक नज़म का टुकड़ा और दो चार मिनट मसाइल खुदा मुस्तफा मुर्तजा सब वली हैं विलायत की इज्जत यही फातिमा है विलायत की इज्जत यही फातिमा है जमाने की जन्नत न जाने कहाँ है मोहम्मद की जन्नत यही जिनको बतूल का मानी आता है वो इस
रुबाई से ज्यादा लुत्फ ले सकते हैं कि दीन भी दीन का असूल भी है, दीन भी दीन का असूल भी है, ये निसा के लिए रसूल भी है, दीन भी दीन का असूल भी है, ये निसा के लिए रसूल भी है। और फातिमा कब समझ में आती है, इसका शौहर भी है बतूल भी है। मरियम की बात करते हुए, दीन भी है दीन का असूल भी है, ये निसा के लिए रसूल भी है। फातिमा कब समझ में आई है, इसका शौहर भी है बतूल भी है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है, बंदे की बात नहीं करता, किसी मुसैयर की बात नहीं करता, खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डालता चौखट पे डाल देता है। और किसी बशर को परख ना हो तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे उसकी इस्मत मैं क्या बताऊं तुम्हें, उसकी इस्मत में क्या बताऊं तुम्हें, जिसका पैकर अर्श पे सजदे में था, जोहर पढ़ के वो हसन की माँ बनी, असर में दोनों का सर सजदे में, कुछ लोग आए बारगाह रिसालत में आके कहने लगा कि ईसा अल्लाह का बेटा है। रसूल ने कहा तुम्हारे पास कोई दलील, उन्होंने कहा कि बाप नहीं है, तो रसूल ने कहा अगर बाप नहीं है तो आदम तो उससे अच्छा बेटा हुआ, उसकी माँ भी नहीं है, आदम तो उससे अच्छा बेटा हुआ। अब मैं बिल्कुल तो शरा का टाइम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नज्म के लिए दो जुमले सुन लें कि आदम तो उससे अच्छा बेटा है जिसकी माँ भी नहीं है। शादी जहां से मुबाह मुनाजरा खत्म हो जाए वहां से मुबाहला शुरू होता है, ठीक है, वहां से कहने को घर बड़ों के बड़े मोहतरम भी थे। कुरान की ये नस है कि जहां कुल आता है, कुल से मुराद ये होती है कि अल्लाह कह रहा है कि कह दीजिए मोहम्मद आप मेरी तरफ से कह दीजिए, कुल का ये कानून है। जब वो खुद मोहम्मद से बात करता है तो फिर वो कहता है कि इन्ना अतवैना कल कौसर, हमने इन्ना अंजलना हमने, जहां कुल आएगा। कहने को घर बड़ों के बड़े मोहतरम भी थे, अस्हाब थे अजीज थे अपने हरम भी थे, अरबों अरब पर अरबों अरब थे, हजारों अजम भी थे, असलाम की तरह से नबी के सनम भी थे, असलाम की तरह से नबी के सनम भी थे, अपनी न दोस्तों की गली से रसद मिली, बस मुर्तजा के घर से नबी को मदद मिली, बस मुर्तजा के घर से नबी को मदद मिली। कोई कहे रसूल, कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, क्यों सिर्फ अहले बैत हैं यारों को ले चले, जमा का सीगा आया था ना, कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, क्यों सिर्फ अहले बैत हैं यारों को ले चले,
सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, घर चार बेटियां हैं तो चारों को ले चले, घर चार बेटियां हैं तो चारों को ले चले। मयारे सच पे सिद्ध से मामूर एक है, सीधा नसाओ ना का है मस्तूर एक, मस्तूर एक है। यही कहा था ना कि तुम कहो कि हम अपने बेटे लेके आते हैं, अल्लाह कह रहा है, मोहम्मद नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हम अपने बेटे लेके आते हैं। इस कारवाने हक पे आगे चले रसूल, पीछे थी मुमकिनात की एक मालकन बतूल, खैरुन्निसा के बाद अली नूर बा असूल, सरवर के पाक हाथ में इस्मत का पाक फूल, लिपटा हुआ नबी से नबूवत का जहन था, सीने में दिल था दिल में धड़कता हुसैन, जो पहुंचा ये कारवां, इस्मत मुआब दीन के मासूम पासबां, देखा जहान वालों ने इस्लाम का जहां, देखा जहान वालों ने इस्लाम का जहां, फैली खुदा के नूर की किरने यहां वहां, अब्दुल मती देख के हैरान हो गया, कलमा पढ़े बगैर ही मुसलमान हो गया, पादरी ने पांच कुरान इकट्ठे आते देखे, फिर पादरी ने कौम से खिताब किया, इसकी बहुत ये खुतबा है बीबी का, जो बीबी ने वाहला मेंग दिया था, अब उसका टाइम तो नहीं, ये बस मुसद्दस सुन ले। फिर पादरी ने कौम से फौरन खिताब किया कि उस कारवां ने हक की अनोखी है आबोताज, जब पंचतन को आके देखा तो उन्हें कहा कि इस कारवां ने हक की अनोखी है आबोताब, चाहे अगर तो काट दे नाखून से आफताब, नाखून से आफताब, इनकी दुआ सवाब है और बददुआ अजाब। उसने कहा रुक जाओ, मुबाहला नहीं करना, बददुआ नहीं करनी, क्यों, खत्मुल रसूल का सारा कबीला ही नूर है, अपनों के लेके आया है सच्चा जरूर है, आपने हमेशा लोगों से सुना, उल्मा से सुना, जाकरीन से सुना, लेकिन आप ये देखें सिर्फ इसमें फिक्र की ये बात है, क्या रसूल को नसारा ने पहले नहीं देखा था, रसूल की बात माननी होती रसूल ने तो कहा था मस्जिद में के मान लो, मान लो रसूल को पहले भी देखा है, अली को भी पहले देखा है, हसन हुसैन को भी मदीने में देखा है, किसको देख के माने हैं, जब तौहीद का पर्दा साथ आया उस पर्दे ने कहा बात तौहीद की है, पर्दे में बीबी ने फरमाया है बाबा आप पीछे हो जाएं, अली पीछे हो जाएं, हसनैन पीछे हो जाएं, बड़ा लंबा खुतबा दिया बीबी ने मुबाहला में, उसमें से सिर्फ ये कहा राहिब की तरफ देख के कि क्या तुम समझते हो ईसा अल्लाह का बेटा है, वाह वाह वाह, तुम समझते हो ईसा अल्लाह का बेटा, अरे ईसा तो मेरे हसनैन की नालैन से बढ़ के नहीं है, मेरे हसनैन की नालैन का रुतबा ज्यादा है ईसा का, की किताब में शेख तूसी की किताब में पूरा खुतबा लिखा हुआ है, वाह वाह, उसके ये जुमले मैंने आपको सुनाया कि नबी पाक आगे बढ़े, पादरी की आंखों में आंखें डाली, इस्मत है जिसका नाम देख के नबी क्या कहते हैं कि इस्मत है जिसका नाम मेरे घर की चीज है, खुद किबरिया को मेरा कबीला अजीज है, सच और झूठ में मेरा आंगन तमीज है, फरमाया मरियम मेरी बतूल की अदना करीज है, मरियम मेरे बतूल की अदना करीज है, और ईसा नबी है पाक है जी एहतराम है, मगर फर्क बड़ा है, ईसा नबी है पाक है जी एहतराम है, अरे वो मुक्तदी है और मेरा बेटा इमाम है, हाय
के पादरी ने कदमों पे रखी, हम पर मलाल करना तबीयत मलूल कर, हम पर मलाल करना तबीयत मलूल कर, तकलीफ दी जनाब को औकात भूल कर, तबीयत मलूल कर, तकलीफ दी जनाब को औकात भूल कर, एहसान हम पे कौनो मका के रसूल कर, गुस्ताखियां भी बख्श दे जजिया कबूल कर, गुस्ताखियां भी बख्श दे जजिया कबूल कर। उसने कहा औरत हो मर्द हो घर हो या मैदान आम हो, तुमसे लड़े वही के जो नस्ले एहसान हम पे कौनो मका के रसूल कर, गुस्ताखियां भी बख्श दे जजिया कबूल कर, औरत हो मर्द हो घर हो या मैदान आम हो, तुमसे लड़े वही जो नस्ले आंसू मेरे हिस्से के आ जाए, मेरी बख्शिश की भी जमानत हो जाए। कौन से पादरी ने कहा कि 10,000 दीनार लाओ और मोहम्मद की बारगाह में पेश करेंगे। पादरी वापस आया, एक और सरदार को बुला के कहता कि 10,000 दीनार और लाओ। कौम ने कहा तुम 10,000 दीनार मांगे थे, अब क्यों मांगता है? पादरी ने कहा मेरी कौम सुनो, मोहम्मद की बेटी साथ है, मोहम्मद की बेटी चल के आई है, अच्छा नहीं लगता कि खाली हाथ जाए। ईसाई ने शर्म कर ली शादी, लेकिन उम्मत ने शर्म ना की। पादरी ने तश्तरीनी हमामा उतारा। जनाबे मरियम की बारगाह में दरख्वास्त की कि आप ये बीबी को पेश करें। जनाबे मरियम आगे बढ़ी, थारी नसब छोड़ के आगे बढ़ी, बढ़ के बतूल के कदमों पे हाथ रखा, कहा सैयदा ये भी जानते कि तू कौन है, मेरी कौम को माफ कर दे, इनको नहीं पता कि तू कौन है। ईसा ने अपना मामा उतार के मातम करना शुरू किया, कौम की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये कौन है। शादी जब तोहफे भी दिए, जजिया भी दिया, यही सोच के मैं सोचता हूँ कि बीबी ने कहा होगा कि वो गैर थे, ये तो मेरे नाना की उम्मत है, दरबार में चली जाती हूँ, मेरा हक है, हक मांगती हूँ, यही सोच के आई। पहला में भी जब रसूल ने देखा ना कि बतूल मुस्कुरा रही है, कहा बतूल तू काहे को मुस्कुराती है? कहती है बाबा लोगों ने मेरी इतनी इज्जत की, मुझे जजिया भी दिया, ये तोहफे तहाय भी लाए। जब रसूल ने ये बात सुनी ना तो रोना शुरू कर दिया। जही सोच के बाप के बाद बतूल दरबार गई, हसन हुसैन साथ है, शाही सैयद बैठे हो, अपनी आंखों से ये जुमला पड़ा है कि तेरी जटा कोई 10 मिनट खड़ी रही, 15 मिनट खड़ी रही, आधा घंटा खड़ी रही, पूरे 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। 4 घंटे के बाद बतूल ने कहा कि चाचा सलमान। सलमान ने सुना, कदम पे हाथ रखा, कहा बीबी मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ,
तू मुझे चचा कह रही है। कहा इनसे कह के मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूँ, अगर हाकिम इजाजत दे तो मैं बैठ जाऊ। सलमान ने हाकिम से कहा, नबी की बेटी बतूल कहती है कि मैं बैठ जाती हूँ, जब तुम फारिग होगे तो मेरी बात सुन लेना, और मैं इस चीज की सलमान कहता है जमानत देता हूँ कि जब तक बतूल बैठेगी मट्टी पे बैठेगी। शाही एक रिवायत में 800, एक में 1200 कुर्सी दरबार में लगी थी। बतूल ने कांपते हाथों से एक रुक्का निकाल के सलमान को दिया। सलमान ने वो रुक्का लेके 1200 या 800 सहाबियों ने उस वसीयत को या उस खत को देखा जो रसूल ने बतूल के नाम लिखा था, देख के तस्दीक करवाई कि यह मोहम्मद का लिखा है या मोहम्मद की मोहर इस पे सही है। जब हाकिम वक्त के पास पहुंचा ना, तो हाकिम वक्त ने रुका देखा, कहा बतूल तेरे पास कोई गवाह है? दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े। कहा हम कसम खुदा खाते हैं उस रब्बे ज़ुल जलाल की कि ये रुका हमारे नाना का लिखा है। कहा हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता ही, तुम बेटे हो, तुम्हारी गवाही कबूल है। अब जैसे ही उसने कहा मैं नहीं मानता, उसने उस रुके के टुकड़े करने शुरू किए, टुकड़े करके उसने सामने फेंके। जैसे ही उसने टुकड़े फेंके, कुछ टुकड़े हसन ने उठाने शुरू किए, कुछ टुकड़े बतूल ने उठाने शुरू किए, कुछ हुसैन ने उठाने शुरू किए। शाजी बतूल टुकड़े उठाती गई, सर के बाल सफेद होते गए, कमर कम होती गई। बस 2 मिनट की जहमत, आ गई घर बतूल। घर आके ये अमल है कि जब भी तुम्हारे घर से कोई किसी के घर सवाल करने जाएगा, कोई पूछे ना पूछे, बच्चे जरूर पूछे कि अम्मा तू लेने क्या गई थी, जब तुझे कुछ मिलना ना था, जब ज़ैनब ने कहा ना कि अम्मा तू और दरबार, अम्मा तू और दरबार। कहा ज़ैनब हसन पूछे कोई बात नहीं, हुसैन पूछे कोई बात नहीं, तू ये बात ना पूछ, तुझे तो शाम जाना है। मैं तो एक दरबार में गई, मैं तो पर्दे के पीछे थी, मैं तो चार बार के बढ़ गई, ज़ैनब तू ना पूछ, ज़ैनब तू तो जिस जिस मोड़ पे जाएगी Hussain, Ya 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 H
हुसैन या 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 हुसैन नबूवत की आबरू तारा कैसे दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू तारा कैसे दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू सहारा कैसे दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू सहारा कैसे दरबार में गई कैसे दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू सारा दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू सारा कभी ज़्यादा लक्ष्मी ये कायनात हो जाती
बाबा बिना सकूं पाया कैसे जीती रही है तू सहारा कैसे दरबार में गई होगी है नबूवत की आबरू सहारा यो माथवी हो कैसे दरबार सहाबी के सामने रो रही
दरबार में गई होगी है नबुवत की अबरू दारा कैसे दरबार में गई होगी है नबुवत की अबरू ऐसे दरबार में गई होगी नबुवत की अबरू सहारा साहिब बिल्कुल पर आए जियो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
कैसे दरबार में गई हो दरबार में गई नबूवत की अबरू धारा शबीर नहीं करबल में बचाने को दरबार में गई होगी है नबूवत की अबरू सहारा बाबा
शिकस्ता है,
शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है। خوابوں کو بنا دی
सैयदा